और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, करीब करीब 6 महीने बचे हुए हैं दिल्ली के विधानसभा चुनावों में, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस की दीवारों पर दिल्ली सुधार मंच ने केजरीवाल को दिल्ली के लिए अभिशाप बताकर दिल्ली के मतदाताओं को गलती सुधारने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली के पोस्टर वॉर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। बहुत कुछ बयां करते हैं, दिल्ली की सड़कों पर आजकल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे ही कुछ पोस्टर लग रहे हैं। ऐसा एक पोस्टर लगा है दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर, जहां दिल्ली सुधार मंच ने लगाया आओ गलती सुधारें, दिल्ली से अभिशाप, केजरीवाल को गद्दी से उतारें, जनहित में जारी दिल्ली सुधार मंच। ये दिल्ली सुधार मंच का हालांकि पोस्टर है, जिस पर दिल्ली को में ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल एक अभिशाप बन गए। हालांकि बीजेपी भी कुछ इसी तरीके के शब्दों का यूज कर रही है कि दिल्ली में पिछले 4.5 साल से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए अभिशाप बन गए, दिल्ली में कोई भी विकास नहीं हो पाया है। इसी तरीके का अब भाषा जो है बीजेपी भी यूज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में देश के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बने तभी दिल्ली के कुछ बात बन पाएगी। ऐसे तमाम चीजों को लेकर अगर कहा जाए तो बहुत सारे स्लोगन आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के लिए लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए भी इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सुधार मंच ने ये पोस्टर लगाया है उसको देखकर अब यही लगता है कि आने वाले दिनों में अब पोस्टरबाजी के जरिए दिल्ली की सियासत में एक नया भूचाल आएगा। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज दिल्ली।